सबसे पहले आप हाइलाइट्स का लुक देखिए, क्योंकि ये वही हाइलाइट्स है जो 50% लोग करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग करते हैं इनको इस टाइप के हाइलाइट्स करवाने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हाइलाइट्स हमने कैसे की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारे क्लाइंट के यहाँ जो हेयर है वो केमिकल ट्रीटेड है और कलर ट्रीटेड भी है। इनके 50% से ज़्यादा हेयर वाइट है, लेकिन रूट से बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं है। यहाँ पे हमने 4 नंबर यूज़ किया है, उसके बाद हमने यूज़ किया है 6.34 के बाद हमने यहाँ पे दूसरी ट्यूब ली है 7.35, उसके बाद हमने 900S लिया है। अब कौन कौन सी ट्यूब कहाँ कहाँ लगानी है उस वीडियो में मैं आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहले हमने यहाँ 4 नंबर का कलर 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके रूट्स में लगाया है। रूट से जहाँ तक जितने वाइट हेयर है उतने में आपको ये कलर लगाना है। 1x1 सारे सेक्शंस में आपको ये कलर लगाना है। पहले जो वाइट हेयर है वो 100% कवरेज कर लेना है, 1x1 सेक्शन में लगाना है। उसके बाद 6.34 को पूरे हेयर में हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे पूरे हेयर में क्यों अप्लाई किया है, ताकि 4 नंबर से लेकर नीचे तक जो भी पैच थे, रूट से लेकर एंड्स तक जो भी पैचेस थे, जो भी अनइवन कलर था, तो वो कलर सारा इवन हो जाए, उसके ऊपर हम हाइलाइट्स करने पर हमें एक अच्छा फ्रेश लुक मिले। 35 मिनट्स रखने के बाद हम सारे कलर को रिंस करके एकदम वॉश कर देंगे और ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ 900S ट्यूब लेंगे और उसको 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करके जिगजैग सेक्शन में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेक्शन मैंने अपनी तरीके से लिया है, आप अपनी तरीके से भी सेक्शन ले सकते हो। हाईलाइट का लुक कैसा देना है उस पर डिपेंड होता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बालियास टेक्निक ले सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्लाइस टेक्निक ले सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें वीविंग भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सारे हेयर में मैंने जिगजैग टेक्निक ली है। 1x1 सारे हेयर में 900S ट्यूब अप्लाई करने के बाद जो भी रेस्ट हेयर बचा है उसमें मैंने 7.35 कलर का ग्लोबल शेड अप्लाई किया है, उसको मैंने 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया है। आप देख सकते हो कि 6.34 का मैंने जो ग्लोबल पहले ऐड किया था, तो उसकी वजह से डार्कर टू लाइटर एक बहुत ही अच्छा शेड मिल रहा है, जिसकी वजह से हम कोई भी कलर इनके ऊपर करेंगे तो एक फ्रेश लुक मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे पैचेस हो गए, कहीं पे ज़्यादा लाइट और डार्क का फर्क दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ये डायरेक्ट हाइलाइट्स करने वाली ट्यूब है, तो इसको 45 मिनट रखने के बाद हमने सारे फॉइल पेपर को रिमूव कर दिया और एक अच्छा सा हेयर वॉश दे दिया। हेयर वॉश में शैम्पू और कंडीशनर देना है आपको, उसके बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमने यहाँ पे एक फ्रेश लुक दिखाने के लिए, एक शाइन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे आइनिंग किया है। आइनिंग के बाद आप इनके हेयर का रिजल्ट देख सकते हो। कैसा लगा ये रिजल्ट आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ये हमारा आफ्टर और बिफोर लुक यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट हो रहा था और हमारे क्लाइंट भी बहुत हैप्पी थे। तो जिनको भी ये हाइलाइट्स करवानी हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।